दोस्तों जो एस्पिरेंट इस साल यानी सितंबर 2024 में मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है। दरअसल DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है। जो एस्पिरेंट्स अब प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के बाद मेंस देने जा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि फॉर्म फिल करने की अवधि 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक है। आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे भर सकते हैं। दोस्तों DAF दो बार भरना होता है, एक प्रीलिम्स एग्जाम के बाद DAF 1 और दूसरा मेंस एग्जाम के बाद यानी DAF 2। DAF 1 में फैक्चुअल जानकारी ही भरनी होती है, वहीं DAF 2 में आपको पूरी जानकारी विस्तार से भरनी होती है जिसमें हॉबीज आदि शामिल होते हैं। आपको बता दें DAF 1 में ये इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिशन एंड पेमेंट। अब जान लेते हैं कि DAF भरते समय एस्पिरेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारत के राजपत्रों को पढ़ें और परीक्षा के विषयों को ध्यान से पढ़ें जिसमें अन्य के बीच पात्रता मानदंड शामिल है। यह फॉर्म आपको UPSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.upsc.gov.in पर लॉगिन करके विस्तृत आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी कॉलम भरे हैं या नहीं। फॉर्म भरते समय गलती से भी DAF प्रिंट पूर्वावलोकन PDF आयोग को ना भेजें। आइए अब जान लेते हैं कि DAF फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरते समय इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, अब UPSC CSE 2024 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3, परीक्षा के नाम पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। स्टेप 4, ज़रूरी डिटेल्स भरें और आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें। स्टेप 5, फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फॉर्म भर जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।